नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीए श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्कैनर के बारे में। बहुत सारे लोग जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनको स्कैनर कई बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो उसके लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हम चार्टिंग के टर्म में या स्टॉक मार्केट के टर्म में समझने की कोशिश करें तो स्कैनर का मतलब है एक ऐसा टूल जो कि पूरी लिस्ट, जो भी आपको जिनको स्कैन करना है सिंबल को, उन सबको स्कैन करके एक रिजल्ट लेके आपके सामने आए और आपको बताए कि कौन कौन से सिंबल में बाय का सिग्नल है, कौन कौन से सिंबल में सेल का सिग्नल है। इस तरीके की सुविधाएँ जो देने वाले टूल को कहते हैं स्कैनर। अब MT4 की बाउंडेशन ये होती हैं कि MT4 में स्कैनर का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर्स दिए गए हैं उनको आप लगा सकते हो और वन बाय वन चार्ट में लगा के उन चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें स्कैनर चाहिए और हमें ऐसा ऐसा स्कैनर चाहिए, तो पहले से हमारे पास काफ़ी सारे स्कैनर थे और उन स्कैनर को हम दिखा रहे थे, लोगों को दे रहे थे। अभी हमने क्या किया कि उन सब स्कैनर्स को मर्ज कर दिया। हमने एक ऐसा स्कैनर बनाया जिसका नाम हमने रखा है दोस्तों वन स्कैनर। वन स्कैनर में मोर देन 15 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, 15 अलग अलग इंडिकेटर्स को वो आप स्कैन कर सकते हो। मतलब कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे सुपर ट्रेंड है या मूविंग एवरेज है, या आप चाहते हो VWAP या TMA या DEMA। बहुत सारे लोग ये VWAP TMA पे काम करते हैं, तो इस तरीके के अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल चार्ट में लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट जो है ना बहुत मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। बहुत सारे मतलब आपको सारे चार्ट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद सब में इंडिकेटर लगाना पड़ेगा तो अलर्ट आएगा, आपको पता लगेगा। लेकिन जो सॉल्यूशन हम आज आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा और डैशबोर्ड में आपको सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में सिग्नल बना है और सिंबल में सिग्नल बना है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से प्रॉपरली आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से स्कैनर काम करता है। लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो चीज़ें मिलेंगी आपको वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयरिंग हमें एंकरेज करते हैं और भी अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें आपके सामने लेके आने का और नई नई चीज़ों के बारे में वीडियो बनाने का भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि स्कैनर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जो आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है स्कैनर का डैशबोर्ड। यानी कि आप देख सकते हो कि आपको इंडिकेटर की चार्ट विंडो की जगह MT4 की जो चार्ट विंडो होती है उसकी जगह यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे बंधन बैंक का बॉक्स सबसे पहला है, उसके बाद ATGL का है, उसके बाद LKM का है। तो इस तरीके से जिन बॉक्सों में जो सिंबल्स के नाम लिखे हैं उन सिंबल्स में स्ट्रेटजी के हिसाब से जो सिग्नल बने हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखिए पहली चीज़, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ये बॉक्सेस बन रहे हैं, इन बॉक्स के नीचे एक कॉलम है, उस कॉलम में आपको बाकायदा लिखा हुआ दिख जाएगा कि किसमें टारगेट लगा, किसमें स्टॉप लॉस लगा। जो रेड कलर के यहाँ पर छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं उनमें आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस रीच लिखा हुआ है, और जिनमें टारगेट लगा है उनमें टारगेट की इन्फॉर्मेशन भी है। अब ये तो रहा डैशबोर्ड की, आपको डैशबोर्ड अगर आप किसी इंडिविजुअल चार्ट को देखना चाहते हो तो सिंपल सा ऑप्शन है, उस इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने से उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि इसमें क्या सिग्नल बना है, देखिए सेल सिग्नल जनरेटेड लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर वापस खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये वापस डैशबोर्ड मोड में चला जाएगा। तो डैशबोर्ड मोड में जाके आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड किस तरीके से बन रहा है। तो ये है दोस्तों इसके बारे में कि आपको सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी पर इसको लगाना है, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। कितने टाइम फ्रेम पर लगाना है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंडिकेटर को लगाना किस तरीके से। ये तो हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जब आपको डेमो देंगे और तो इंस्टॉल करके देंगे आपको, वो सारा कुछ करके देंगे सेटिंग। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर को हमेशा नेविगेटर विंडो में पेस्ट किया जाता है। नेविगेटर विंडो ये वाली विंडो जो आपको अभी दिखाई दे रही है, और इसमें MT4 में तीन अलग अलग विंडोज़ होती हैं, जिनमें तीनों विंडोज़ को एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर की विंडो जो है वो है मार्केट वॉच, उसके नीचे जो है वो है नेविगेटर, और तीसरी विंडो है वो है यहाँ पर आपकी चार्ट विंडो। अब चार्ट विंडो में आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, वो है स्कैनर के बॉक्सेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सिंबल्स में जितने भी सिंबल लगाए होंगे उन सिंबल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 150-200 सिंबल लगा रखे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कम लगाना, कम लगा सकते हो। स्कैनर कम लगाने पे स्कैनर थोड़ा और फास्ट काम करेगा, यानी कि बॉक्सेस से जब कन्वर्ट करते हो आप इंडिविजुअल मोड से लेके आपको स्कैनर मोड में, तो आपको क्विकली रिस्पांस मिल जाएगा उसके बारे में।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इसको लगाना है तो आपको जाना होता है फाइल के ऑप्शन में, उसके बाद ओपन डेटा फोल्डर के ऑप्शन में, वहाँ से आपको MQL4 पे जाना होता है और यहाँ पर इंडिकेटर का एक फोल्डर आता है, यहाँ पर आपको को पेस्ट कर देना है स्कैनर जो हमारी तरफ से आपको मिलेगा, उसके बाद आप इसको रन कर सकते हो, चला सकते हो। फिलहाल डेमो के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हम आपको आईडी वगैरह डाल के देंगे, जो हम ही खुद इंस्टॉलेशन करेंगे, आप पर्सनली इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई डेटा फीड का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है या किसी कंपनी का आप यूज़ करते हो तो वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर लॉकिंग की हुई है कि ये हमारी ही चार्ट पे काम करे और किसी चार्ट पे काम ना करे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, इंडिकेटर लिस्ट पे जाना है। सबसे पहले जब आप इसको लगाएंगे तो आपको नेविगेटर विंडो से इंडिकेटर पे डबल क्लिक करना होगा, उसके बाद इस तरीके की एक विंडो आपको ओपन होकर दिखाई देगी। तो ये दोस्तों वन स्कैनर की विंडो है, इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट यहाँ पे टारगेट मोड है कि कौन सा टारगेट रखना है आपको, टारगेट 1, 2, 3 उसका अलर्ट आप मिल जाएगा। टारगेट 1 यहाँ पर आपको 5.5% है, टारगेट 2 1% और टारगेट 3 1.5% हमने लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर 1% का दिखा हुआ है। इसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे भी आप मैनिपुलेट करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपको और इसको फास्ट करना है तो आप इसको ये कर सकते हो, शो पास्ट सिग्नल। अगर आपको पुराने सिग्नल देख रहे हैं उस पर, पुराने बाय के या सेल के रनिंग सिग्नल्स के बॉक्सेज आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको दिखें, तो आप उसको ट्रू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिखें, सिर्फ करंट सिग्नल दिखें, तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो। अगर आप इसको फॉल्स करते हैं तो ये स्कैनर थोड़ा फास्ट काम करेगा, शो करेंगे तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, क्योंकि इसमें ये पुराने सिग्नल्स को भी लेकर आएगा। उसके बाद ऑप्शन है अलर्ट का, शो अलर्ट ट्रू और फॉल्स। अगर आप शो अलर्ट को फॉल्स करेंगे तो आपको यहाँ पर साउंड अलर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इसको आप इसको ऑन कर देंगे, ट्रू कर देंगे यानी कि, तो आपको अलर्ट्स मिलेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों री एंट्री ऑन। री एंट्री का मतलब होता है कि अगर कोई सिग्नल बना और उसके बाद उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद दोबारा अगर वो उस लेवल पे आए तो बाय करना है या नहीं करना है, या सेल करना है या नहीं करना है, यानी कि दोबारा सेम कंडीशन पे एंट्री लेनी है या नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ट्रू करेंगे, नहीं लेना चाहते तो आप इसको फॉल्स करेंगे। तो ये था दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आप देखिए आगे, देखिए इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज आ गई। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है दोस्तों वो है सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड का स्कैनर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो। सुपर ट्रेंड ऑन ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसको आप ट्रू करेंगे तो ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल दिखाना शुरू करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से ही चीज़ें करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है सुपर ट्रेंड का, ATR पीरियड जो है वो 10 है और मल्टीप्लायर जो है 4 है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि और कोई हमारा ट्रू तो नहीं है, तो हम देख लेते हैं और कौन सा। ये देखिए यहाँ पर मैंने TMA को ट्रू किया हुआ था, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अब जो ये सिग्नल दिखाएगा दोस्तों वो दिखाएगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से। अगर अब मैं इसको ओके करता हूँ क्लोज करके, तो ये जितने भी सिग्नल लेके आएगा वो सब लेके आएगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये जो बॉक्स के अंदर चीज़ें आई हैं ये सब सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल बने। अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी सिंबल पे तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए सुपर ट्रेंड की लाइन डॉट वॉट सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो लाइन है डॉटेड वाली, ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन होती है वो है। इसके अलावा एरो दिखाई दे रहा होगा आपको ग्रीन कलर का, उसके अलावा आपको एक क्रॉस का मार्क दिखा रहा दे रहा होगा, ये स्टॉप लॉस का मार्क है। यहाँ पर टिक मार्क जो राइट कलर का, राइट जो मार्क है येलो कलर का, ये टारगेट का मार्क है। वापस से हमें अपने स्ट्रेटजी में जाना है तो हम इस तरीके से यहाँ पे इसको बॉक्स के खाली जगह पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे ये वापस से स्कैनर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। ये डायनेमिक है स्कैनर, जैसे ही आप इसको जितना स्पेस देते जाएंगे उतने ही इसमें बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए मैंने दो चीज़ें हटा दी तो अब यहाँ पर ये बॉक्स में ज़्यादा बॉक्सेस दिखा दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं अपनी स्क्रीन का रिजोल्यूशन कम करता हूँ, तो क्योंकि मेरा अभी इसका जो डिस्प्ले का है वो मैंने 125% किया हुआ है, अगर मैं उसको रिजोल्यूशन को कम करता हूँ तो ये आपका यहाँ पर और ज़्यादा बॉक्सेस दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ये देखिए मैंने 125 करा, अगर मैं इसको 100 करता हूँ, अगर मैं 100 करके इसको यहाँ पर जाके इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको हमने डायनामिक बनाया कि स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतने ज़्यादा बॉक्सेज आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे हमने बटन दिए हैं नेक्स्ट और प्रीवियस के, अगर आप बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगले सिंबल्स, यानी कि और ज़्यादा जो सिंबल आप देखना चाहते हैं उन सिंबल्स को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से उसी मोड में कर दिया ताकि आपको ये बटन अच्छे से दिख सके, क्लियरिटी दिख सके, बड़ा बड़ा दिखे। तो यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो अगले सिंबल्स जो हैं इसके पहले के हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने एक चीज़ करी है दोस्तों कि जो भी लेटेस्ट सिग्नल आता है, जो भी सबसे पहला सिग्नल आता है, जो आपको सबसे पहले मिलेगा उसकी नोटिफिकेशन या उसका बॉक्स जो है वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा। क्या होता है कि अभी यहाँ पर अगर मैं पुराने सिग्नल दिखाने लग जाऊँ आपको और कोई नया सिग्नल आया आप उसको देखना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर जो सबसे पहला बॉक्स है इसका मतलब इसमें सिग्नल सबसे
लेटेस्ट आया है, अभी कोई और सिग्नल आएगा तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एनएससी के सिंबल्स हैं। और अभी जो है 5:35 का टाइम हो रहा था, एनएससी की मार्केट तो बंद है। एमसीएक्स का स्कैनर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एमसीएक्स के सिंबल यहाँ पे लगा के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसकी स्क्रीन के बारे में कि आप इसको किस तरीके से विजुलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज करना है। ऊपर टाइम फ्रेम का ऑप्शन है, टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं इंडिकेटर्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर्स इसमें अवेलेबल हैं। सुपर ट्रेंड है यहाँ पर, आरएसआई है, आप आरएसआई के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। उसके बाद एडीएक्स है, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल मूविंग मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोकेस्टिक भी है आपके पास, पैराबोलिक सार भी है, बॉलिंगर बैंड भी है। इंपॉर्टेंट यानी कस्टम इंडिकेटर्स में से आपके पास वीवैप है, टीएमए है, डीईएमए है, ओआरबी है और टीआरबी है। ORB और TRB को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ ये क्या है। बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों पर काम करते हैं, क्योंकि इसलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। ORB का मतलब ओपन रेंज ब्रेक, ओपन रेंज ब्रेकआउट का मतलब है कि मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन और लो अगर बराबर थे तो अगली कैंडल के ओपनिंग पे बाय हो जाता है, ओपन और हाई अगर बराबर थे तो अगली कैंडल के ओपनिंग पे सेल हो जाता है। इस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसके नीचे जो है TRB यानी कि टाइम रेंज ब्रेकआउट। टाइम रेंज ब्रेकआउट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम टाइम सेट कर देंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक का हमें ओराइजन रखना है, और उतने टाइम के बाद अगर उतने टाइम का ये हाई और लो जो है उसको नोट कर लेता है, और उतने टाइम के बाद जब नई कैंडल बनती है तो जब जैसे ही वो पीरियड का हाई या लो ब्रेक होता है तो उसके बाद ये अपने आप बाय या सेल उठा लेता है, आपके स्टॉप लॉस टारगेट कर देता है, यानी कि बाय सेल के सिग्नल्स आपको दे देगा। इसमें एक बफर का ऑप्शन दिया है, बफर यानी कि आप अगर चाहते हैं कि हाई तोड़ने से 10 पैसे ऊपर या 20 पैसे ऊपर या 10 पैसे नीचे या 20 पैसे नीचे सिग्नल बने तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे तो उसके हिसाब से ये आपका काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये है वन स्कैनर। अभी हमने इसमें इतने इंडिकेटर्स को ऐड किया है, आगे आगे हम इसमें और भी इंडिकेटर्स ऐड करेंगे, तो आगे जाके हम इसमें और भी इंडिकेटर्स ऐड करेंगे और वो अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा 500 एवरी मंथ का। 500 एवरी मंथ जो है स्कैनर का चार्ज है, और 500 एवरी मंथ MT4 डेटा फीड का चार्ज है, यानी कि कुल मिला के दोनों चीज़ों के लिए आपको 1000 रुपये एक महीने का पे करना पड़ेगा। और उसमें आपको डेटा फीड भी मिल जाएगा, नॉर्मल इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ये वन स्कैनर भी आपको मिल जाएगा। 3 दिन का हम आपको डेमो प्रोवाइड करेंगे, 3 दिन आप इसको चेक कर सकते हैं डेमो के लिए। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आपको व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर डेमो के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, तो उस बीच अगर आप कॉल करेंगे तो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और डेमो भी हो जाएगा। अगर आप शाम के बाद 6 बजे के बाद कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो आपको जो डेमो मिलेगा वो अगले दिन से मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने देख लिया किस तरीके से स्कैनर काम करता है। साउंड अलर्ट, अगर पॉपअप अलर्ट आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपके कंप्यूटर पर उसको लगा के दे देंगे ताकि आप उसको आराम से देख सकें और 3 दिन तक फ्री डेमो का आनंद ले सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो इंडिकेटर या ये जो स्कैनर हमने बनाया है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और साथ ही साथ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट यानी कि ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट पर आपको ये स्कैनर जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।